आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडीआईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों ज्ञान के भंडार की, एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर, एक ऐसे सोशल रिफॉर्मर जिसने एक ऐसा स्टेप लेने पे ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूर कर दिया जो कि मील का पत्थर साबित हुआ। हम बात कर रहे हैं विडो रीमैरिज एक्ट की। ताउम्र ये सोशल इविल्स से लड़ते रहे, स्पेशली इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट, विडो रीमैरिज को एडवोकेट किया। चाइल्ड मैरिज होती थी उसके खिलाफ लड़ते थे। पॉलीगैमी भैया, एक इंसान बहुत औरतों के साथ शादी कर सकता है। जब इन्होंने देखा कि यहां पे 50 साल के व्यक्ति के पास 100 से ज्यादा बीवियां हैं, तब इनका मूड खराब हो गया। दो कैरेक्टर थे दोस्तों इनके, दो पहलू थे इनके पूरी पर्सनैलिटी के। एक तो बहुत ही हार्ड था, हार्ड मतलब बड़ा जबरदस्त आर्ग्यूमेंट करते थे दोस्तों, इनसे कोई जीत नहीं सकता था। उस समय जब इन्होंने आवाज उठाई सोशल इविल्स के लिए, तो धर्म के ठेकेदार और बहुत सारे लोग इनके सामने खड़े हो गए थे कि ऐसे कैसे तुम ये सब चीजें बदल के रख दोगे। उन्होंने सबको हराया, ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूर कर दिया भैया झुकने पे। दूसरा साइड ये था कि बहुत सॉफ्ट थे ये, इतना रोते थे अगर किसी भी गरीब को देखते थे, किसी की तकलीफें अगर ये देख लेते थे तो आंसू रुकते नहीं थे दोस्तों। सोशल रिफॉर्म्स, एजुकेशन रिफॉर्म्स, इन्होंने पूरा एजुकेशन सिस्टम ही बदलने की कोशिश की दोस्तों। और ये हमेशा मानते थे, और ये सही भी है, कि सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंसान शिक्षित नहीं हो पाते, जिसकी वजह से अपराध होता है, जिसकी वजह से गरीबी बढ़ती है, और जिसकी वजह से ये जो शैतानी ताकतें हैं, सोशल इविल्स, ये जन्म लेते हैं। सबको शिक्षित कर दो, और महिलाओं को तो बिल्कुल शिक्षित करो। घर घर जाके, डोर टू डोर जाते थे ये, क्योंकि उस समय कोई भी अपनी लड़कियों को पढ़ने भेजता ही नहीं था, तो ये पर्सनली सबसे मिलते थे, सबके माता पिता से मिलते थे, लड़कियों के माता पिता से, कि हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप अपनी बच्चियों को स्कूल भेजिए। ऐसा था उस समय का भारत दोस्तों। आज हम बात करेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। सोशल रिफॉर्मर सीरीज दोस्तों चल रही है, जितने भी सोशल रिफॉर्मर आए हैं मैं सबको कवर करूंगा, ये पांचवें हैं, ठीक है। सिड अंडरस्कोर ई कनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। हमने हर एग्जाम्स को कवर किया है दोस्तों, आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। अब अगर हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें दोस्तों, तो बंगाल में जन्मे ये, बंगाल ने ऐसे ऐसे नगीने दिए हैं दोस्तों, ऐसे ऐसे महात्मा दिए हैं कि क्या बताएं। हमने इससे पहले बात करी थी राजा राम मोहन रॉय की, हमने इससे पहले बात करी थी देवेंद्रनाथ टैगोर की, हमने इससे पहले बात करी थी केशव चंद्र सेन और रामकृष्ण परमहंस की, सब के सब बंगाल से। तो दोस्तों बंगाली रिनेसा ये चल रहा था, वैसे ये इंडियन रिनेसा इसको कहेंगे क्योंकि बंगाल भारत में ही थे, क्योंकि लेकिन क्योंकि ये सारे रिफॉर्म्स बंगाल में ही ज्यादा चल रहे थे, बाद में ये पूरे देश में फैलना शुरू हो गए, तो उसको बंगाली रिनेसा भी बोला जाता है। रिनेसा मतलब क्या? पुनर्जन्म। भारत का पुनर्जन्म हो रहा था। 1828 से इसकी शुरुआत हो गई थी। देखिए दोस्तों 1800 से पहले क्या था कि लोग, भारत के जो लोग थे शिक्षित इतना ज्यादा नहीं थे, लेकिन जब ब्रिटिशर आए तो वो अपने साथ बुराइयां बहुत सारी लेके आए, लेकिन उन्होंने मॉडर्नाइजेशन भी, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे थे, बहुत सारे लोगों ने जब किताबें पढ़ना शुरू किया, जब वेस्टर्न आइडियाज को अपनाना शुरू किया, तब उनको ये लगा कि अगर हम अच्छे कामों के लिए भारत में थोड़े बहुत वेस्टर्न आइडियाज लेके आए, जैसे अगर भारत में सबको एजुकेट करना शुरू करें, ये सोशल इविल्स को हटाना शुरू करें, तो भारत बदल जाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, लोग पढ़ने लगे थे, लोग एजुकेटेड होने लगे थे। इसीलिए भाई कोई भी समाज कब रिफॉर्म करेगा? जब वो पढ़ने लगेगा, जब उसकी चेतना जागने लगेगी। तो दोस्तों ऐसा है कि 1800 के बाद ये एकदम से होना शुरू हुआ, और इसकी शुरुआत किसने की? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, राजा राम मोहन रॉय, जो पहले सोशल रिफॉर्मर जिनको हम बोल सकते हैं। 1828 में इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की, और उसके बाद सब कुछ बदल गया। फिर देवेंद्रनाथ टैगोर ने इनकी लेगेसी को आगे बढ़ाया, उसके बाद उन्होंने केशव चंद्र को सौंपा ये, फिर ब्रह्मो समाज स्प्लिट हुआ, और रामकृष्ण परमहंस यहां पे स्पिरिचुअली अवेक कर रहे थे, आध्यात्मिक तरीके से चेतनाओं को जगा रहे थे, तो ये ना एक अलग फेज स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों फिर स्वामी विवेकानंद आए, ठीक है ना, तो ये चलता रहा, और इतने सारे रिफॉर्मर्स आए कि भारत की तकदीर तो बदलनी तय थी। उनमें से एक नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। इन्होंने ब्रह्मो समाज या ऐसे से तो ये नहीं जुड़े थे, हाँ रामकृष्ण परमहंस से जरूर मिले थे, लेकिन ये बहुत पढ़े लिखे थे, और इन्होंने
पढ़ाई पे बहुत ज्यादा बल दिया और सोशल इविल्स ताउम्र ये उन कुप्रथाओं से लड़ते रहे जो भारत में एकदम घुस गई थी। ठीक है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन थे? एक बहुत बड़े बंगाली पॉलीमैथ थे, ठीक है, फिलोसोफर थे, एजुकेटर थे, राइटर, ट्रांसलेटर, पब्लिशर, प्रिंटर, एंटरप्रेन्योर, रिफॉर्मर और फिलैंथ्रोपिस्ट। कुछ ज्यादा ही हो गया, समझ रहे ना, मल्टी टैलेंटेड थे इन शॉर्ट। ठीक है, देखिए इनका जो असली नाम है ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय है, ठीक है, ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय क्योंकि बंगाली है, लेकिन इनको विद्यासागर टाइटल मिला था। विद्यासागर मतलब क्या? ज्ञान का भंडार। जब ये संस्कृत कॉलेज में अध्यापक थे, वहां के प्रिंसिपल बने, तो इतनी जबरदस्त पकड़ थी इनकी संस्कृत पे और संस्कृत बंगाली और फिलोसफी पे कि वहां पे इनको टाइटल मिला था विद्यासागर। भैया इन्होंने तो पूरी बंगाली लैंग्वेज को ही रिस्ट्रक्चर कर दिया था ना, इन्होंने तो पूरी एक अल्फाबेट अलग से सीरीज बना दी थी, बंगाली लैंग्वेज को पूरी तरीके से रिफॉर्म कर दिया था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का तो इंटेलेक्ट उस तरह का था। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों अगर ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें या बंदोपाध्याय की बात करें, तो इनका जन्म एक हिंदू बंगाली ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। इनके पिताजी ठाकुर दास बंदोपाध्याय और इनकी माताजी भगवती देवी, बीर सिंघा विलेज मिदनापुर पश्चिम बंगाल, 26 सितंबर 1820 में ये जन्मे थे। बहुत गरीबी थी, इनके पिताजी इनके माताजी बहुत ज्यादा रिलीजियस थे, लेकिन इतनी गरीबी थी इनके परिवार में, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी दोस्तों, ये एक लैंप तक अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जो लालटेन होती है ना जलती है वो तक अफोर्ड नहीं कर सकते थे, स्ट्रीट लैंप जो होते थे ना उसके नीचे जाके पढ़ते थे, इतनी ज्यादा गरीबी थी। आप सोच सकते हैं दोस्तों, एक इतना ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान जिसका इतना नाम हुआ, उसका जीवन कैसे बीता इतनी गरीबी में। अब जाहिर सी बात है ना, जो स्ट्रगल करेगा भैया सोने को भी तपाना पड़ता है, तो वो निखर के सामने आएगा, ये निखर के सामने आए। पढ़ने लिखने का शुरू से इनको बहुत ज्यादा शौक था, 6 साल तक तो इन्होंने वही की पाठशाला से पढ़ाई की, लेकिन बहुत जल्द इनको पता चल गया कि इनको कुछ ना कुछ तो करना ही करना है। अब भैया इनका बहुत मन था कि वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ जाएं, बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ें, पैसा नहीं था पिताजी के पास तो क्या करते, तो ये फिर संस्कृत कॉलेज में पढ़ने चले गए। 1829 में इन्होंने संस्कृत कॉलेज में एडमिशन लिया। इससे पहले दोस्तों क्या हुआ था, 6 साल के जब ये थे तो इनके पिताजी ने अपने दोस्त क्या इनको भेज दिया था रहने के लिए, ठीक है ना, तो फिर वो वहां रहते थे, भगत चरण के घर में रहते थे, और वहां पे उनकी जो बेटी थी, जो यंगेस्ट डॉटर थी रायमोनी, उनसे बहुत ज्यादा क्लोज हो गए थे, बहुत एडमायर करने लगे थे और उनके आइडिया से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस भी हो गए थे। 1829 में दोस्तों इन्होंने संस्कृत कॉलेज में एडमिशन लिया। ठीक है दोस्तों, इतनी ज्यादा इनकी कंडीशन खराब थी कि ये स्कूल भी जाते थे और मीनवाइल ये काम भी करते थे, ऑड काम्स, ऑड वर्क भी करते थे ताकि अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके। बहुत बुरी हालत थी, लेकिन पढ़ने का शौक बहुत ज्यादा था, जब भी वक्त मिलता पढ़ते रहते, बुक्स में डूबे रहते, और 1829 से लेकर 1841 तक ये संस्कृत कॉलेज में रहे, और उसके बाद इतनी ज्यादा मेहनत की इन्होंने, सारे सब्जेक्ट को पढ़ डाला, क्या संस्कृत, क्या लिटरेचर, क्या अलंकार, क्या वेदांत, क्या एस्ट्रोनॉमी, क्या साइंस, एक एक को पकड़ा और ऐसा पढ़ना शुरू किया कि सब में महारत इन्होंने हासिल कर ली दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों ये कस्टम था कि उस समय बहुत जल्दी शादी हो जाती थी, औरतों का क्या था दोस्तों, लड़कियों का क्या था कि एडल्ट होने से पहले ही, प्यूबर्टी अटेन करने से पहले ही उनकी शादी कर दी जाती थी। ठीक है, और अगर एक बार वो प्यूबर्टी अटेन कर लेती थी, उसके बाद जब उनकी एज बढ़ने लगती थी, 18 साल की हो जाती थी, 19 साल की हो जाती थी, तो पूरी सोसाइटी मिलके ताने देने लगती थी कि अरे तुम्हारी बेटी तो इतनी बड़ी हो गई है, शादी कब करोगे। तो रिवाज ये था कि जितनी जल्दी हो सके लड़की की शादी कर दो। सोचिए दोस्तों, हॉरिबल, मतलब सोच के भी रूह कांप जाती है। एक मिनट जरा अपने आप को पोजिशन पे रख के देखिए कि कितना ज्यादा अंदर से झकझोर देने वाला है कि एक नन्ही सी जान जिसको कुछ भी नहीं पता, 10 साल 11 साल, उसको उस इंसान के पास भेज दिया जाता है जो उससे 10 गुना ज्यादा बड़ा। और ऐसा हुआ है दोस्तों, जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने देखना शुरू किया ना, पूरा कैंपेन चलाना शुरू किया, हैरान हो गए थे वो कि यहां पे 50 साल 60 साल के जो अधेड़ उम्र के जो व्यक्ति हैं, 100-100 बीवियां हैं उनके पास, 105 बीवियां उनके पास जो मरने की कगार पे हैं,
पता नहीं कब मर जाए, आज मर जाए कि कल मर जाए, वो शादी कर रहे हैं। ऐसी हालत थी दोस्तों, इतनी बुरी हालत थी, अंदर से हिल गए थे दोस्तों ईश्वर चंद्र। खैर अभी ये चीज हम डिस्कस करेंगे सोशल रिफॉर्म्स में। तो दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने फिर उसके बाद 12 साल जो है वो 1829 से लेकर 1841 तक संस्कृत कॉलेज में बिताए, और इन्होंने फिर जोरशंको में पढ़ाना भी शुरू किया, ताकि वो पार्ट टाइम जॉब थी, पार्ट टाइम हर कोई जॉब करता है दोस्तों, कोई स्कूल में पढ़ाता है, कोई ट्यूशन देता है, ताकि वो खुद को सपोर्ट कर सके और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सके। तो ये पार्ट टाइम जॉब थी, वहां पे उन्होंने पार्ट टाइम जॉब करना शुरू किया। 1841 में जब ये पास आउट हुए तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर बिल्कुल बदल गए थे, वो विद्यासागर हो गए थे। यहां पे दोस्तों 19 साल में ही इन्होंने लॉ का एग्जाम निकाल लिया। एक चीज और, उस समय तो सिविल सर्विस था नहीं, यूपीएससी था नहीं, आईसीएस तो बहुत ही बाद में एग्जाम्स देने शुरू किए मतलब भारतीयों ने, जिस भी एग्जाम पे हाथ रख देते थे ये, जिस भी एग्जाम की तैयारी करते थे वो एग्जाम निकल जाता था। इनको ढेरों स्कॉलरशिप मिली है दोस्तों। आप सोच रहे होंगे ना कि ये कैसे पढ़ गए इतना, इतनी गरीबी थी, इतना ज्यादा गरीब, मतलब पैसे नहीं थे, खाने पीने के पैसे नहीं थे, पढ़ कहां से गए, इनको स्कॉलरशिप बहुत मिली, इनकी पूरी पढ़ाई फ्री हुई है दोस्तों। इतने पढ़ने में तेज थे, इतने ज्यादा ब्रिलियंट है ये, बहुत सारी किताबें लिखी है इन्होंने, कि इनको बहुत ढेरों स्कॉलरशिप मिली दोस्तों। तो इसीलिए ना इनका बहुत नाम था, और इतनी कम उम्र में दोस्तों जिस भी एग्जाम को छू देते थे, अगर उस समय यूपीएससी होता ना, पक्का बता रहा दोस्तों, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही टॉप करते ये, ठीक है ना, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने किया था। मैंने बोला ना बंगाल ने ऐसे ऐसे नगीने दिए हैं कि क्या बताए, सुभाष चंद्र बोस की बायोग्राफी रिव्यू की है मैंने दोस्तों, आपको बता दूं, बस एक मिनट का थोड़ा सा डिटूर लेना चाहूंगा, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात बताता हूं आपको। वो भी एकदम मूड उनका खराब हो गया था, और उन्होंने बोला कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी करूंगा, आईसीएस उस समय होता था, उन्होंने 6 महीने खाली तैयारी की थी और सिविल सर्विस टॉप किया था, 6 महीने से बल्कि कम तैयारी की थी, सिविल सर्विस टॉप किया था, इतने ब्रिलियंट थे सुभाष चंद्र बोस, आइडल फॉर एवरीवन, इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन, उनकी बुक का मैंने रिव्यू किया है, आप जरूर देखिएगा दोस्तों उनकी ऑटोबायोग्राफी का। तो यहां पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। 19 साल के थे ये, तो इन्होंने लॉ का एग्जाम निकाल लिया। जैसे ही इन्होंने एग्जाम निकाला, इनको ऑफर्स आना शुरू हो गए। इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज इन्होंने ज्वाइन किया और वहां पे इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। अच्छा एक चीज तो बताना ही भूल गया, वो चीज मैं बीच में छोड़ दिया था, 14 साल की उम्र में इनकी भी शादी हो गई। जैसे मैंने अभी बताया ना रिवाज था, तो इनकी वाइफ का नाम था दीनामणि देवी, और इनके एक बेटा भी हुआ जिसका नाम था नारायण चंद्र। ठीक है, नारायण चंद्र की भी दोस्तों बहुत जबरदस्त कहानी है। ठीक है, तो नारायण चंद्र बंदोपाध्याय इनका एकलौता बेटा था, और 1849 में इन्होंने लॉ एग्जाम क्लियर किया। उसके बाद ये फोर्ट विलियम कॉलेज में पढ़ाने लगे, वहां पे हेड ऑफ द संस्कृत डिपार्टमेंट, सब चीज का ज्ञान तो था ही, फिर किस बात की कमी। पहले इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज ज्वाइन किया, उसके बाद वहां पे 5 साल तक तो इन्होंने पढ़ाया, लेकिन 1841 में इन्होंने ज्वाइन किया था, आप याद रखिएगा 1841 में जैसे ही इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी, तुरंत ही इन्होंने लॉ एग्जाम निकाला, उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज ज्वाइन किया। 5 साल तक उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में पढ़ाया। मेरा पहला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज किसने बनाया है भैया, कौन से गवर्नर जनरल थे और कौन से रूलर ने ऑर्डर दिया था, इनकी बायोग्राफी भी मैंने कवर की है जिन्होंने ऑर्डर दिया था, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों 1846 में विद्यासागर ने फोर्ट विलियम को छोड़ दिया। अब भैया संस्कृत कॉलेज में वो 12 साल रहे थे। अब ऐसा होता है कि 12 साल बहुत बड़ा वक्त होता है, जिस कॉलेज में आप इतना ज्यादा समय बिताते हैं तो कॉलेज नहीं घर हो जाता है, इनको घर से ही ऑफर आ गया। इन्होंने संस्कृत कॉलेज को ज्वाइन कर लिया एज एन असिस्टेंट सेक्रेटरी, हटाओ मुझे नहीं करना अंग्रेजों के साथ काम, मैं तो जा रहा हूं अपने घर में, संस्कृत कॉलेज में पढ़े। लेकिन फिर इन्होंने बहुत जल्द संस्कृत कॉलेज को छोड़ दिया। इनके विवाद हो गए थे दोस्तों, आरसी दत्ता से विवाद हो गए थे, संस्कृत कॉलेज में ब्राह्मणों को लिया जाता था, इस वजह से विवाद हो गया था। ये तो भैया मैन ऑफ प्रिंसिपल, इन्होंने बोला हर कास्ट के लोगों को लेंगे, विवाद के चक्कर में इस्तीफा दिया, वापस फोर्ट विलियम कॉलेज इन्होंने ज्वाइन किया। लेकिन फिर हायर अथॉरिटी ने इनको मनाया कि भैया वापस आ जाओ, तो दोबारा ये संस्कृत कॉलेज में आए, और उसके बाद जब संस्कृत कॉलेज में आए, वहां पे जब ये प्रिंसिपल बने और इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स बने, तब इन्होंने एक के बाद एक करके रिफॉर्म्स जो चालू करना शुरू किए ना, वो एकदम जबरदस्त है। पहले एजुकेशनल रिफॉर्म्स की दोस्तों बात करते हैं, क्योंकि ये थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद अभी हम सोशल रिफॉर्म पे आएंगे, अभी मैं पीछे स्लाइड करूंगा। एजुकेशन रिफॉर्म दोस्तों, जब ये इंस्पेक्टर थे, ये स्कूलों की देखरेख का इनको जिम्मा मिला था, तब इनको समझ में आ गया था कि
कितनी बुरी हालत है। औरतें तो छोड़िए, औरतों को तो वहां पे कोई भेजता ही नहीं था, लड़कियों को तो कोई भेजता ही नहीं था स्कूल, और ये रिवाज भी नहीं था कि उस समय लड़कियों को पढ़ाया जाए, लड़कों को भी कोई स्कूल नहीं भेजता था। तो वहां पे इनको लगा कि हमारे जो ये गरीबी है, जो इतनी बुरी कंडीशन है, पथेटिक कंडीशन है, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, और इसी वजह से थोड़ा बहुत क्राइम भी जो है वो है, तो ये हटाने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। तब इन्होंने सीरीज ऑफ इनिशिएटिव्स लेना शुरू किए दोस्तों, इन्होंने बहुत सारे स्कूलों को खोलना शुरू किया, इन्होंने लड़कियों के लिए अलग से स्कूल खोलना शुरू किया दोस्तों, इन्होंने 20 मॉडल स्कूल्स खोले दोस्तों, जिसमें 1300 स्टूडेंट्स ने एनरोल किया दोस्तों, इन्होंने नॉर्मल स्कूल खोले ताकि टीचर्स को ट्रेन किया जाए, भैया बच्चों को तो टीचर्स ही पढ़ाएंगे ना, इन्होंने 35 स्कूल सिर्फ सिर्फ लड़कियों के लिए खोले। अब लड़कियों को लोग एजुकेशन अलाउड नहीं, एजुकेशन वॉज नॉट अलाउड फॉर गर्ल्स, सो वॉट वी विल डू, तब उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं घर घर जाके कैंपेन करूंगा, घर घर जाके हाथ पांव जोड़े इन्होंने पेरेंट्स से कि आप अपनी लड़कियों को स्कूल भेजें, कृपा करके स्कूल भेजें, आपके हाथ जोड़ते हैं। तब वहां पे फिर एक सिलसिला शुरू हुआ, बहुत सारी लड़कियों को इन्होंने पढ़ाई का हथियार दिया दोस्तों, जो सबसे बड़ा हथियार होता है, बेसिक फंडामेंटल राइट है, बेसिक राइट है, राइट टू एजुकेशन है ना, और भारत के संविधान में भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी है, ठीक है ना। लड़कियों को कुछ नहीं था उस समय, बहुत बुरी हालत थी दोस्तों। तो इन्होंने पूरे एजुकेशन रिफॉर्म जो है वो चालू किए, स्कूल्स खोले, सबको पढ़ाना स्टार्ट किया इन्होंने, टीचर तो थे ही भैया, टीचरों का देखिए, एक टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है ना जो हमेशा से था, हमेशा रहेगा, क्या बात है ना। तो दोस्तों टीचिंग सबसे पुराना प्रोफेशन है ना, हमारे जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं वो टीचिंग्स पे ही बेस्ड हैं, उपनिषद वो भी तो गुरु के चरणों पे बैठो, आओ नीचे बैठो। खैर अच्छा, बहुत ज्यादा तारीफ हो गई अपने प्रोफेशन की, हम लेक्चर पे आते हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि इन्होंने पूरे एजुकेशन रिफॉर्म चालू कर दिए। सोशल रिफॉर्म्स की बात करें दोस्तों, तो इनका सबसे बड़ा जो स्टेप था वो ये था कि विधवाओं की शादी करवाओ। विधवाओं की कंडीशन बहुत खराब थी, अभी तक तो मैंने आपको लड़कियों की बताई कंडीशन कितनी खराब थी, विधवाओं की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी, 11-11 साल, 12-12 सालों की लड़कियों की शादी हो रही है 60-60 साल के अधेड़ उम्र के बूढ़े आदमियों से, उनकी मृत्यु हो गई, 5-6 साल कितना जिएंगे वो, ये विधवा हो गई। अब जब एक औरत 18, 19, 21, 22 साल की है, उसके पति की मृत्यु हो गई, दिक्कत क्या होती थी, विधवाओं को पूरी तरीके से सोसाइटी से काट दिया जाता था ताकि वो बात ना कर सके, किसी से भी बात ना कर सके, रिस्ट्रिक्शन थी, फ्रीडम नहीं था उनको, ठीक है, आधा दिन उनको भूखा रहना पड़ता था दोस्तों। एक जॉन इब्राहिम की मूवी आई है, मुझे याद नहीं है, वाटर या कौन सी करके, बहुत पहले आई थी, तो उसमें ये पूरा दिखाया है कि किस तरीके से विधवाओं की कंडीशन थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मैं आपको बताऊंगा जरूर नाम जब मुझे याद आएगा, आप भी सर्च करिएगा, तो वो मूवी आप देखिएगा। आधे दिन भूखा रखता था, भूखा रहती थी जो विधवाएं होती थी, सेमी स्टार्वेशन, दिन भर जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी दोस्तों, और अगर बिना बताए चली गई ये घर से, तब तो इनकी खैर नहीं, इनके इनके पूरे बाल मुंडवा दिए जाते थे, इनको गंजा कर दिया जाता था ताकि कोई भी मर्द जो है इनको देख ना सके। आपको पता है इसको तोड़ने के लिए बहुत सारे विधवाओं ने प्रोस्टिट्यूशन को ज्वाइन कर लिया था, चली गई थी ये, छोड़ के चली गई थी कि मुझे ऐसे नरक में नहीं रहना है। तो जब ये सब ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने देखा, अंदर से हिल गए थे ये, हिल गए थे ये, इन्होंने बोला कि कानून में बदलाव की जरूरत है, पहले 25,000 पेटिशनर्स, 25,000 लोगों की याचिका लेके गई है, ठीक है, इनको तो बहुत ज्यादा नॉलेज थी भाई, लोगों के केसेस कौन आगे करेगा, जिसके पास ज्ञान होगा, ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है, ठीक है, जब ज्ञान नहीं होता तो आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन जब इंसान समझदार होना होने लगता है उसको मुश्किल होता है बेवकूफ बनना, समझदार को इशारा काफी है, मैं आज के कंटेक्स्ट में बोल रहा हूं, जरा सोचिएगा जरूर। तो दोस्तों ऐसा है कि यहां पे पहले 25,000 पेटिशनर्स ब्रिटिशर ने हटा दिया, रिजेक्ट कर दिया, फिर उसके बाद ये 2,000 और 27,000 पेटिशनर्स, ठीक है, तब जाके ब्रिटिश अथॉरिटी मानी, ये इतना जबरदस्त इन्होंने आर्ग्यूमेंट किया, ऊपर से सोसाइटी से प्रेशर, जब भी ये ऐसी बातें करते, सोशल रिफॉर्म की बात करते, तब से तब तब सारे लोग खड़े हो जाते, ठीक है, कि तुम ऐसा कर कैसे रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि भैया वो तो अपने हिसाब से चीजों को देखेंगे, वो क्यों चाहेंगे कि सोसाइटी चेंज हो, उनके लिए तो सब कुछ सही है ना, जो बुरे लोग हैं। तो बोलते थे कोई चेंज वेंज नहीं आएगा,
तुम करके दिखाओ चेंज, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बोला कोई बात नहीं, सामने खड़े रहो, मैं ऐसे ही चेंज कर दूंगा। तो उन्होंने चेंज किया विडो रीमैरिज एक्ट 26 जुलाई 1856, याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में भी बहुत पूछ लिया जाता है। फाइनली पास हुआ और लीगल हो गया। ये बहुत बड़ा स्टेप था दोस्तों, सोचिए सालों सालों सैकड़ों सालों से ऐसी हमारी सोसाइटी चली आ रही है, और एकदम से फिर बदलाव करना, ये कितनी बड़ी बात थी। और ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने करके दिखाया। अक्षय कुमार दत्ता से इन्होंने हेल्प ली। पैरलली क्या हो रहा है दोस्तों, पैरलली ब्रह्मो समाज चल रहा है, पैरलली देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन बिल्कुल एक्टिव हैं, रामकृष्ण परमहंस एक्टिव हैं। तो पैरलली एक अलग ही बंगाल, एक अलग ही भारत बन रहा है। और यहां पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपने में अपने हिसाब से लगे हुए हैं। तो आप इसीलिए इस पूरे पीरियड को, ये 18th और 19th सेंचुरी को रेनेसा पीरियड बोला जाता है, कि भारत का मॉडर्नाइजेशन यहां से शुरू हुआ। ठीक है, सोचिए अगर ये महात्मा नहीं आते तो आज तक हम आगे बढ़ ही नहीं पाते भैया, क्या बताऊं, ऐसे बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है ना, तो ये चीज है। विडो रीमैरिज एक्ट एक बहुत बड़ा स्टेप था, मील का पत्थर जो है वो साबित हुआ था, क्योंकि औरतों को बहुत ज्यादा ऑप्रेस किया जाता था। ठीक है, तो अब दोस्तों क्या है कि इन्होंने बहुत सारे काम किए, मैन ऑफ कैरेक्टर रहे, और खुद भी इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी दोस्तों। आप देख लीजिए, इन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी लिखी हैं दोस्तों। और ये जो वर्ण परिचय है ना, और इसमें इसमें तो पूरी बायोग्राफी, प्लस दोस्तों इन्होंने बंगाली लैंग्वेज को पूरा चेंज कर दिया था। इन्होंने 12 वोवल्स और 40 कॉन्सोनेंट बना दिए थे, और इन्होंने बंगाली लैंग्वेज को, जो कि भैया आज समय सबसे ज्यादा बोली जाती है भारत में दूसरे नंबर पे, तो वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया था। आप सोच सकते हैं, एक लैंग्वेज को ही बना दिया था इन्होंने। तो ये भी बेताल 25 ही लिखी थी, बहुत ही जबरदस्त बंगाल इतिहास लिखा था, जीवन चरित्र, ये सब किताबें हैं दोस्तों, आप देख लीजिएगा। तो बहुत बड़े ऑथर भी थे ये। ठीक है, मीन वाइल ये काफी पेपर्स के लिए भी लिखते थे दोस्तों, तत्व बोधनी पत्रिका के लिए भी लिखते थे दोस्तों, आर्टिकल्स लिखते थे, कॉलम्स लिखते थे, बहुत सारे पेपर्स के लिए भी काम करते थे। ये जगाते थे लोगों की चेतनाओं को, जगाते थे कि कम से कम लोगों को पता होना चाहिए। इन्होंने एक संस्कृत प्रेस भी स्टार्ट की थी, ताकि किताबें और जो लिटरेचर्स हैं वो कम दामों में सबको मिल सके, और हर कोई जो है वो पढ़ सके आसान भाषा में। दोस्तों इन्होंने बहुत बहुत दिनों तक काम किया, रामकृष्ण परमहंस से भी मिले थे। रामकृष्ण परमहंस के पास तो कोई एजुकेशन थी ही नहीं, वो तो आत्मज्ञानी थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत बड़े ज्ञानी, तो रामकृष्ण परमहंस ने बोला था कि ये जो पूरा ज्ञान का सागर है ना, ये विद्यासागर है। बहुत तारीफ की थी उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। 29 जुलाई 1891 में इस महान व्यक्ति, इस महान इंसान का, विद्यासागर का देहांत होता है। ठीक है, काफी खराब हो गई थी दोस्तों आखिरी समय में हेल्थ, लेकिन तब तक इन्होंने बहुत कुछ कर दिया था। ठीक है, अगर हम इनके लेगेसी की बात करें, तो बहुत सारे, स्पेशली जो वहां का रेलवे स्टेशन है वो विद्यासागर के नाम पे है, यूनिवर्सिटी विद्यासागर के नाम पे है, तो काफी इनको एक्नॉलेज भी किया गया है। तो दोस्तों आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हम और सोशल रिफॉर्म्स की बात करेंगे, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।